हे एंड वेलकम, स्वागत है आपका IAF चॉइस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कुछ इसमें हाई लेवल SRT ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ एंड जो रिएक्शन हो गई आपकी वो दी गई होंगी, जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो दी गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप ट्रेन में हैं, आपका पैसे के साथ पर्स खो जा गया है या खो गया है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका एक पर्स है जिसमें कुछ पैसे भी थे, वो खो गया है, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, जो पॉजिटिव और जो सबसे बेहतर सबसे बढ़िया जो आपके पॉजिटिव आपको रिएक्शन देना होता है वो ये है, मैं उन पैसों का प्रयोग करूँगा जो मैंने अपने सामान में छिपा कर रखे हैं, कठिन परिस्थिति के लिए जो थे, और FIR दूंगा। यानी कि क्या करेंगे, हम जो लगेज ले जाते हैं ना साथ में, तो उसमें भी कुछ पैसे होते हैं और कुछ पर्स में भी होते हैं। ज़्यादातर लगेज में अधिकतर पैसे हम रखते हैं क्योंकि वो कठिन परिस्थिति हमारे काम आते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। एंड जो आप देख सकते हैं इसके अलावा भी कुछ आप दे सकते या आप उसके अलावा भी एक पर्स नहीं खो सकता है, वो मेरे लगेज में रखा था। यानी कि ये जो आपको सेकंड दिख रहा है वो ये चिप बताता है कि आप पहले से ही सतर्क थे एंड आपका पर्स नहीं खो सकता है क्योंकि वो आपने लगेज में रखा हुआ था। ठीक है, वो रखना भी चाहिए, ऐसे जेब में नहीं रखना चाहिए क्योंकि खोने का ज़्यादातर डर होता है, वैसे ही सफ़र में जाते हैं ना, तो छिपा के कुछ चीज़ रखनी चाहिए। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है आपको वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ले सकता है, आपके ट्रेन के कंपार्टमेंट में दो चोर हैं, आप क्या करेंगे? मैं जानता हूँ यदि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता ना तो आप थोड़े से चकरा जाते, लेकिन आपने क्या क्वेश्चन देख लिया, आंसर भी देख लिया, अब क्या आपको दिक्कत है ना? कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए। बिना किसी सबूत के किसी को चोर नहीं कहा जा सकता, अर्थात मैं कुछ नहीं करूँगा। यानी कि यदि आप कुछ कोई है भी, मान लीजिए आप एयरमैन हैं, बिकॉज अब आप एयरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी टू बी एयरमैन, एंड मान लीजिए आप एयरमैन है एंड आपको कोई बताता है ये चोर है, तो आप ऐसे कैसे किसी को यार चोर बता सकते हैं? ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सतर्क हो जाएंगे, वो बात अलग है। एंड आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हथियारों के साथ व्यक्ति सभी यात्रियों की तलाशी ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप आंसर तो अपने साथ पढ़ा ही लिया होगा, जानता हूँ। तलाशी लेने वाले हथियारबंद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि RPF के जवान है, जो सुरक्षा के लिहाज से आपकी तलाशी ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना हमेशा, ऐसा मत सोचिए कि कोई हथियार लिए हुए हैं तो लूटे रहे हैं, आपको लूट लेंगे वहीं पर ट्रेन में ही लूट लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए यार। पॉजिटिव हमेशा रिएक्ट करना है, कैसा? पॉजिटिव, इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, पॉजिटिव रिएक्ट देना। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है आपको, आपको उस लड़की का मैरिज प्रपोजल मिलता है जो सेक्सुअली हिरास्ड है, यानी आप जानते ही ना, और वह न्याय के लिए स्ट्रगल कर रही है, आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई सेक्सुअल हिरास्ड गर्ल है, उसने आपको मैरिज प्रपोजल दिया, यानी कि वो आपसे शादी करना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव रिएक्ट देना है आपको हमेशा। तो देखिए, मैं उसे पोलाइटली बताऊँगा कि मेरी एक GF है तथा मैं उससे शादी करने का वादा किया है और जितनी हो सके उसकी मदद करूँगा। यानी कि नहीं उसको कुछ ऐसा फील कराना है कि आपने कुछ गलत कह दिया, ऐसा भी नहीं करना है। यानी उसे पोलाइटली बता देना है, यार आपकी ऑब्सोल्युटली आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी मैं जानता हूँ, लेकिन आप उससे भी डायरेक्ट मना मत कीजिए, उसे बताइए कि आपने उसे शादी का वादा भी किया है, आप उससे शादी नहीं तोड़ सकते हैं, एंड उसकी जितनी हो सके उसकी मदद कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप एक अर्जेंट ऑर्डर पाते हैं अपने कमांडर से, लेकिन आप फील करते हैं यदि आप इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं तो आप गलत करेंगे। तो ये शायद मैंने पहले भी करा दिया, आपको ऐसा ही कुछ मिलता जुलता करा दिया होगा, आप अपने कमांडर के ऑर्डर पर अमल करेंगे तथा भरोसा उस विश्वास भी दिखाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप एक टिकट की लाइन में खड़े थे, दो व्यक्ति हथियार के साथ आते हैं, आपसे कहते हैं जगह दो, आप क्या करेंगे? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जवाब थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कमेंट में लिख दीजिए कि आप उस समय क्या करते, आप
मुझसे वादा कीजिए आप कुछ आगे नीचे जाकर देखेंगे नहीं क्वेश्चन को, आंसर मत दीजिए, ठीक है? वीडियो पॉज कीजिए और लिख दीजिए। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इससे पहले लिख दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। वो पुलिस के आदमी हैं, सुरक्षा के लिहाज से मुझे उनका सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप टिकट की लाइन में खड़े हैं, कहीं टिकट ली जा रही है, आप उस लाइन में खड़े, तो दो हथियारबंद व्यक्ति आते हैं, कहते जगह दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि कोई भी लुटेरा आ जाएगा वहाँ पे। पॉजिटिव सोचिए ना हमेशा। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अब मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका थोड़ा जवाब आप हिल जाएंगे, ठीक है? देखिए क्या है, आप बाथरूम में जाते हैं, आपके आपके सामने एक किंग कोबरा दिखा, आपके नज़दीक में कोई छड़ी भी नहीं है, दरवाज़ा बंद है, आप क्या करेंगे? दरवाज़ा बंद हो गया, कोई छड़ी नहीं, किंग कोबरा सामने, आप बाथरूम में गए हैं, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? सोचिए। देखिए इसने, आपको लगता है सारे दरवाजे इसने बंद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने पहले बताया कि आप कहाँ गए थे, बाथरूम में। बाथरूम में किस तरीके से जाते हैं? नहाने के लिए जाते हैं ना। तो मान लीजिए आप नहाने के लिए गए, तो टॉवल ओवल आपके पास होगा, तो वही आंसर में भी है यार, ऐसा नहीं है कि कुछ उड़ा के लिख दिया, नहीं। आप जैसे ही देखते हैं उसके ऊपर टॉवल डाल देंगे, तो जल्दी से दरवाज़ा खोलें कर वहाँ से भाग जाएंगे तथा औरों को भी उसके बारे में बताएंगे। या आप कर सकते हैं कि आपके पास जो बकेट टब वगैरह होता है ना, उसके ऊपर रख देंगे तथा उसे बंद कर देंगे, उसके बारे में कई और लोगों को भी बताएंगे, जागरूक करेंगे। तो यही थे कुछ क्वेश्चन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर। यार लाइक कर देना यार वीडियो को, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है यार, लाइक जरूर करना, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय जवाहर एंड टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ यार शेयर भी करना इसे, ठीक है? अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है?